कहानी बहुत पुरानी नहीं है। इंग्लैंड का एक बल्लेबाज था, उसमें पीटरसन वाली चमक धमक नहीं थी, ना ही बोथम का करिश्मा था। वो डेविड गार जैसे खूबसूरत शॉट्स भी नहीं खेलता था, मगर उसमें रनों की जबरदस्त भूख थी और उसके अंदर था गजब का धैर्य। एलिस्टर कुक की कहानी कछुए और खरगोश वाली है, जो सीख देती है कि जिद के साथ लगे रहो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। कुक का हथियार स्टाइल या स्ट्रोक पे नहीं बल्कि परिश्रम है, और इसी हथियार के भरोसे उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, और इसी परिश्रम के बल पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच भी खेले हैं। इतना ही नहीं, एजबैस्टन में भारत के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट उनके जीवन का 150वां टेस्ट था, बीच में एक भी टेस्ट मिस किए बगैर। ये कुछ ऐसा है जैसे पहली से 12वीं कक्षा तक का सफर पूरा कर लिया हो स्कूल का एक भी दिन मिस किए बगैर। कमाल है। मगर कुक के लिए पिछले 2 साल कुछ खास नहीं रहे। इस बीच 29 इनिंग्स में उन्होंने 18 बार 20 से कम रन बनाए, 10 बार तो 10 से भी कम में निपट गए। इस सीरीज के पहले टेस्ट में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। तो क्या कुक को लेकर टीम इंडिया निश्चिंत रह सकती है? याद है ना कछुए खरगोश वाली कहानी में खरगोश का क्या हुआ था? फॉर्म कैसा भी हो, अगर कुक जम गए तो समझिए अंगद का पांव है आपके सामने। पिछले 2 सालों में ही देख लीजिए, रन नहीं बने मगर इस बीच भी कुक ने 2 बड़े बड़े दोहरे शतक लगाए हैं। इस बार बर्मिंघम में भारत को उनके खिलाफ सफलता मिल गई, मगर टीम इंडिया को 2011 की वो इनिंग जरूर याद होगी। बतौर कप्तान कुक उस वक्त बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, मगर बावजूद इसके 773 मिनट तक वो क्रीज पर टिके रहे, 545 गेंदे खेली और 294 रन बनाए। भारत के लिए उस भयावह सीरीज का सबसे कष्टदायक दिन था वो। तो बात इतनी सी है कि एलिस्टर कुक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विरोधी टीम के लिए इसका मतलब यह है कि कुक को जल्दी आउट कर लो, वरना घंटों का दर्द झेलने के लिए तैयार रहो।